साहिब, हम मुलाजमत पेशा आदमी हैं, रात के वक्त घर पर होते हैं। खुदा जाने लोगों को कैसे गुमान हो गया कि हमने मैटरनिटी होम खोल रखा है। हालांकि हमें पिछले दिनों महकमे फैमिली प्लानिंग ने सनद खुशनुदी अता की है कि लोग तो बच्चों के मामले में एहतियात बरतते हैं, आप उनसे भी ज्यादा दूरअंदेश हैं। बहरहाल दिन में 4-6 फोन जरूर इस किस्म के आते हैं। आज जरा मेरी बेगम को बुला दीजिए। मेरे यहाँ लड़का हुआ है या लड़की? इतनी देर क्यों हो रही है? जरा जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए, जल्दी कीजिए। मैं सेठ भोलू भाई मिट्टी के तेल वाला खारादर से बोल रहा हूँ। अगर हम कहें कि एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है और न हमें आपकी बेगम साहिबा से तारुफ है, न हम आपकी औलाद नरीना व मादीना में इजाफे के मुश्ताक हैं, तो जवाब मिलता है, ये कैसा मैटरनिटी होम खोल रखा है आपने? मैटरनिटी होम है या यतीम खाना? कई बार जी चाह उनसे कहें कि आपके बच्चों की रियायत से इसके यतीम खाना होने में आप ही का नुकसान है, लेकिन फिर मुख्तसरन अर्ज करते कि जी ये मैटरनिटी होम नहीं, एक यकाओ तनहा आदमी का घर है। अगरचे कराची की शरह पैदाइश देखने के बाद जी हमारा भी यही चाहता है कि काश ये हमारा घर ना होता, मैटरनिटी होम होता। जिस जगह के लिए ये फ़ोन किए जाते हैं उसके और हमारे फ़ोन नंबर में फ़कत एक अदद का फ़र्क है। यही नहीं, एक हलवा मर्चेंट का नंबर भी कुछ ऐसा ही है। हमें अक्सर फरमाइशें इस किस्म की आती हैं कि 15 से लड्डू भेज दीजिए और एक टुकड़ा बालूशाहियों का भी, असली घी का, पहले की तरह चर्बी में तलकर ना भेज दीजिएगा। एक बार उन हलवा मर्चेंट साहब से हमारी मुलाकात भी हुई। उन्होंने बताया कि अक्सर मुशायरों के लिए गजलों की फरमाइश उनसे की जाती है और रिसाले वाले तो हमेशा सर रहते हैं कि आपकी निगारिशात का इंतजार है, सालनामा निकल रहा है, जल्दी कीजिए। बाज लोग सब्र वाले होते हैं, हमें सॉरी रॉन्ग नंबर कहने की मोहलत मिल जाती है, लेकिन बाजों को जल्दी भी होती है। ऐसे ही एक साहब का कल फोन आया, लिखिए 4 छोलदारियां। हमने अर्ज किया, माफ कीजिए, बात काट कर बोले, बातों का वक्त नहीं, लिखते जाइए, 12 डिनर सेट अच्छे हों, पहले की तरह फटीचर ना हो। हमने फिर खंकार कर कहा, अजी सुनिए तो। दुरुस्ती से बोले, 4 चांदियां भी डाल दीजिए, साफ हो, सालनगिरी नहीं चाहिए, हमारा पैसा हलाल का पैसा है। हमने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन उधर से हुक्म हुआ कि पहले उनकी फरमाइश नोट की जाए, फिर बात की जाए। 18 डोंगे, 72 प्लेटें, 5 लालटेने, 150 चमचे, 10 जग। हम सब लिखते गए। जब वो जरा दम लेने को रुके तो हमने कहा, किबला, हम फकीर आदमी हैं, हम इतनी सारी चीजें, ये खसो खाना बर्फाब कहाँ से लाएं? उधर से सवाल हुआ, आप हाजी चिरागदीन एंडसन नहीं क्या? हमने कहा, जी नहीं, काश होते। भड़क कर बोले, आपने पहले क्यों नहीं कहा? अच्छे आदमी हैं।